मुनावर और आयशा ने यूज किया नाजिला का नाम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। वहीं रोहित शेट्टी ने मुनावर से बोला कि आपको मर्द बनने की जरूरत है और आप झूठ बोलना बंद करो। जी दोस्तों, रोहित शेट्टी का एंट्री हुआ यहां पर बिग बॉस के घर में और यहां पर रोहित शेट्टी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं मुनावर फारूकी के ऊपर। रोहित शेट्टी बोलते हैं कि आपके ऊपर ये आरोप है मुनावर कि घर के अंदर जब भी कोई झगड़ा होता था तो आप एक वन लाइनर दे देते थे और बस खत्म, इसका कोई पॉइंट व्यू नहीं होता था। और यहाँ पर मुन्नावर इसका जवाब देते हैं कि बात ऐसा है कि जब भी झगड़ा होता था तो किसी पॉइंट पर झगड़ा नहीं होता था, यहाँ पर बातें कुछ इस तरीके से निकल कर आती थी कि क्या कर लेगा तू, तू कौन है, सामने वाला की तरफ से कुछ इस तरीके का रिप्लाई आता था और मैं एक ही चीज बोलता था, भाई क्या कर लूंगा, वो तो मैं यहाँ कर नहीं सकता बिग बॉस के घर के अंदर, और मैं कौन हूँ ये तो तू अच्छी तरीके से जानता है। तो इसलिए ये सारी आर्गुमेंट्स जो है बेकार की वो मुझसे नहीं होती थी, इसलिए मैं वन लाइनर दे देता था और वहां से निकल लेता था। आगे रोहित शेट्टी बोलते हैं कि इतने हफ्ते बीत गए आपके बिग बॉस के घर के अंदर और अगले कुछ ही दिनों के बाद आपको दुनिया को फेस करना है और अभी ये आपके पास आखिरी मौका है एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने का। रोहित शेट्टी मुनावर से बोलते हैं कि आपको लगा कि आप दिमाग से खेल रहे हैं और आपने बताया कि आपका एक बेटा है और साथ ही एक और लड़की जो है उसके बारे में भी आपने ही बताया घर के अंदर, यानी कि रोहित शेट्टी यहाँ पर इनडायरेक्टली नाजिला की बात करते हुए नजर आए। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने प्ले अलोन किया? इस पर मुनावर बोलते हैं, मैंने उस लड़की को लेकर जो कुछ भी किया है वो किसी फायदे के लिए नहीं किया है। पर रोहित शेट्टी बोलते आपने तो व्यूअर्स को भी धोखे में रखा और जो दूसरा नाम है उसे मैं बिल्कुल भी अभी नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि आपने और आयशा ने उस लड़की का नाम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस घर के अंदर घसीटा है। जब आप बाहर जाओगे मुनावर तो आपको बहुत सारे सवालों का जवाब देना होगा। मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा, बाहर जाने के बाद जो भी रिश्ते तोड़ना है वो तोड़ देना और जो रिश्ते जोड़ना है वो जोड़ लेना, लेकिन मर्दों की तरह सच बोलना, बस इतना ही बोलना है मेरे को तुमसे। जी दोस्तों, कुछ ये सजेशंस दिए हैं रोहित शेट्टी ने मुनावर फारूकी को और कहीं ना कहीं उन्होंने मुनावर को एक्सपोज भी किया। फिलहाल रोहित शेट्टी ने जो भी चीजें बोली मुनावर को लेकर उस चीज से आप कितना हद तक एग्री हो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे बिग बॉस के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए खबरीमैन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।